वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों वर्कशीट 25 फॉर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट। और ये वर्कशीट आपकी 31st अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल की गई है, जो कि आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से फॉरवर्डेड है। और इस वर्कशीट में भी बच्चों हम चैप्टर 6 जो हमारा चल रहा है जैव प्रक्रम, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि क्या जो पेड़ पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं। तो ये सारी बातें हम जो है इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में कवर करने वाले हैं। वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। सभी बच्चे जानते हैं कि जो श्वसन पथ है वो किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन पर। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है, ठीक है। यानी जिन जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जो उनके लिए क्या है कि ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी जरूरी है। सभी हरे पौधे कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं। पौधों में श्वसन, पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं, रंध्र द्वारा करते हैं। सभी बच्चे रंध्र के बारे में जानते हैं, पिछली जो क्लासेस हैं आपने उनमें पढ़ा हुआ है रंध्र क्या होते हैं। रंध्र जो है वो छोटे छोटे छिद्र हैं, पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है, ठीक है। विसरण क्या है, यानी जहां पर ज्यादा मात्रा में गैस उपस्थित है वो ज्यादा से कम मात्रा की तरफ जो है वो फैलने लगती है, जिसको हम विसरण कहते हैं। अंतःकोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में है। पत्ती में क्या होते हैं, पत्ती में स्टोमेटा होते हैं, और कठोर एवं काष्ठ तने में क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। तो ये लेंटिसेल्स का चित्र भी हम आपको दिखाएंगे। कठोर और काष्ठ तने यानी जो बहुत ज्यादा हार्ड जो तने हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर आपने छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे तने के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, जो कि श्वसन अंग है। सो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो बंद रंध्र है और यहाँ पर जो है खुला हुआ रंध्र है। पौधों में श्वसन कैसे होगा, पौधों का प्रत्येक भाग क्या करता है, श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग क्या है, पत्ती है। यानी पत्तियों से ही जो गैस है उसका आदान प्रदान होता है। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। ये रंध्र का चित्र है, ये कैसा रंध्र है, ये बंद रंध्र है, ठीक है। ये कैसा है, बंद है। इसके अंदर देख पा रहे हो आप ये केंद्रक है, ये जो है छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये एक बड़ी क्या है, रिक्तिका, रिक्तिका यानी जो वैक्यूल्स होते हैं। और ये है आपकी रक्षक कोशिका और ये है कोशिका भित्ति, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये खुला हुआ रंध्र है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कोई गैप नहीं है, तो ये बंद हो गया है और ये क्या है, ये खुला रंध्र है। अब दिन के समय आप सब बच्चों को पता है प्रकाश संश्लेषण कब होगा, सूर्य की रोशनी में। सूर्य की रोशनी है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। सो दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है और श्वसन भी होता है, ठीक है। दोनों जो है क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा तो कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। और अगर श्वसन हो रहा है तो कौन सी गैस ली जा रही है, ऑक्सीजन ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। आप इस पॉइंट को समझिए। अब जबकि प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रमों में अधिक तीव्रता से होता है, यानी दिन के समय क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण बहुत की गति जो है वो ज्यादा होती है। श्वसन की गति से प्रकाश संश्लेषण की गति ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी, इसीलिए दिन के समय जो ऑक्सीजन है वो निकलती है पेड़ पौधों से। श्वसन करने के लिए पौधों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो साथ साथ लेते रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा, इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा जो है वो निकलती है बाहर। अब दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में वातावरण से रंध्रों द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है।
लेकिन रात के समय क्या होगा बच्चों, रात के समय सूर्य की रोशनी तो है नहीं। अब सूर्य की रोशनी नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन नहीं निकली, लेकिन श्वसन तो होगा, श्वसन तो हो रहा है ना, सांस तो ले रहे हैं पेड़ पौधे। अब ऑक्सीजन नहीं निकल रही लेकिन सांस लेने में ऑक्सीजन ली जा रही है, ओके, वातावरण से ऑक्सीजन ली जा रही है, और निकल कौन सी रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा अंदर प्रवेश करेगी, रात को जो है ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प वो जो है क्या होंगे, बाहर आते हैं, ठीक है। रात को इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या, कौन सी गैस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए ज्यादा मात्रा में, ठीक। इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट, स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं परंतु जलीय जंतु जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करते हैं। जो बच्चों जो स्थल के जंतु हैं, यानी जैसे हम हैं, हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जलीय जंतु वो पानी में रहते हैं तो वो जो है क्या करते हैं, वो जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है, ठीक है। वायु में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होती है जबकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम होती है, अतः स्थलीय जंतुओं को तीव्रता से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में है तो एक साथ जो है वो ज्यादा सांस के साथ अंदर ली जाती है वायु, जिससे उनको ज्यादा बार बार जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, तीव्रता से यानी जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मछली जो है वो श्वसन कैसे करती हैं। तो आप सब बच्चों को पता है मछली में क्या होते हैं, श्वसन अंग जो है उनके गिल्स जो है होते हैं, ये क्या है, गिल्स हैं, तो गिल्स होते हैं, और ये गिल्स क्या है, ये गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नालिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। जिस प्रकार बच्चों हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर कुपिकाएं उपस्थित होती हैं, क्या उपस्थित है, कुपिकाएं, और ये जो कुपिकाएं हैं इनके साथ क्या होती हैं, इनके साथ रक्त वाहिनियां होती हैं, जो जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान होता है, ऐसा हमारे शरीर में होता है। लेकिन मछलियों में क्या होगा, गिल्स हैं, तो गिल्स के साथ रुधिर नलिकाएं जुड़ी होंगी, और ये गिल्स जो है जलीय जंतुओं को जल में विलय ऑक्सीजन प्राप्त करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब होता क्या है, ये गिल्स निरंतर गतिमान रहते हैं, ओके, और मछली क्या करती है, अपने मुंह के द्वारा जल जो है वो अंदर लेती है और इसे बलपूर्वक कहाँ पहुंचाती है, गिल्स यानी क्लोम बोलते हैं इनको, क्लोम तक जो है पहुंचाती है, मुंह से पानी लेगी और क्लोम तक उनको पहुंचाएगी। अब जैसे ही जो पानी है वो क्लोम तक पहुंचेगा, क्लोम के अंदर पतली पतली जो है आप कह सकते हो झिल्ली है, पतली भित्ती है, उसके संपर्क में आता है, तो जो विले ऑक्सीजन है वो रुधिर नालिकाएं उसको ले लेती हैं। मैंने अभी बताया आपको जो गिल्स हैं उनके साथ क्या उपस्थित है, रुधिर नालिकाएं उपस्थित हैं, और जैसे ही जल क्लोम के संपर्क में आएगा रुधिर नालिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगी और मछली के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक ये जो है ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं। अब श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सांस मछलियां जो ले रही हैं उससे उत्पन्न कौन सी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी वापस ऐसे ही प्रोसीजर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रुधिर है रक्त है उसके द्वारा वापस गिल से बाहरी जल में फेंक दिया जाता है। यानी ऑक्सीजन तो जो गिल्स हैं उन रुधिर वाहिकाएं हैं उन्होंने ले ली, और रुधिर वाहिकाओं ने जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस जो है जल को दे दी, और वो जल जब बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेकर निकलता है। अब देखिए बच्चों, श्वसन सतह के कुछ लक्षण दिए गए हैं, यानी जो भी श्वसन सतह होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे कि श्वसन जो है उसका प्रक्रम अच्छी प्रकार से हो सके। तो फर्स्ट क्या है, यह पतला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यह श्वसन गैसों के लिए पारगम्य होना चाहिए, यानी गैसों का आदान प्रदान वो जो है अच्छा रहना चाहिए। नेक्स्ट, यह जलीय श्लेष्मा द्वारा नम होना चाहिए, बिल्कुल सूखा ना हो। नेक्स्ट, इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसको अवशोषित किया जा सके।
नेक्स्ट, यह प्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए। तो वायु या जल के संपर्क में नहीं होगा तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का आदान प्रदान जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है, क्लियर हो गई है तो आप इन क्वेश्चंस के इजीली जो है अब आंसर लिख सकते हो। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधों का वह अंग जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक है उसका चित्र बनाना है। सो पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? रंध्र के द्वारा करते हैं। ठीक है, पत्ती में स्टोमेटा होता है और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल्स वो उपस्थित होते हैं जो कि क्या है? श्वसन अंग है। अब रंध्र क्या है? ये आपको बंद रंध्र दिखाया गया है, ये खुला रंध्र है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्या है? दीज आर द लेंटिसेल्स, ये लेंटिसेल्स हैं जो कि श्वसन अंग होते हैं, कठोर एवं काष्ठ तने के अंदर ये उपस्थित होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं? सभी बच्चे जानते हैं पौधे किस प्रकार सांस लेंगे, पौधे स्टोमेटा द्वारा सांस लेते हैं। पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहेंगे? रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं वे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, और ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्या पौधे रात में सांस लेते हैं? तो हाँ, पौधे रात में भी सांस लेते हैं, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में निकलती है, लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वह ऑक्सीजन पौधे ग्रहण करते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है लेकिन वो ऑक्सीजन से कम मात्रा में होती है क्योंकि साथ में प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी हो रही है। ठीक है, तो आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, मछली किस प्रकार सांस लेती है? तो देखिए, हमने मछली में जो श्वसन है उसको कंप्लीट प्रोसीजर हमने आपको समझा दिया है, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो या यहाँ तक भी आप लिख सकते हो कि मछली में श्वसन गिल्स होते हैं जो रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं और ये विलेय ऑक्सीजन जो है प्राप्त करने में सहायक होते हैं, तो इतना भी आप लिख सकते हो। डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है आंसर फ्रेम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो श्वसन है उसकी सतह के किन्हीं तीन लक्षणों को लिखिए। तो देखिए, श्वसन सतह के लक्षण क्या है? यह पतला होना चाहिए, यह श्वसनीय गैसों के लिए पारगम्य होना चाहिए, यह जलीय श्लेष्मा द्वारा नम होना चाहिए, इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, यह प्रोक्स या अप्रोक्स रूप में वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए। तो पांचों हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इनमें से कोई भी तीन जो है लक्षण जो आपको आसान लगे, इजी लगे, वो आप लिख सकते हो। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, और अगर क्लियर है तो आप बच्चों लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।